भगवान ने जब हम इंसानों को बनाया था ना, तो हमारे दिमाग में बस दो कीड़े डाले थे, भूख का और हवस का। पर हम चूतियों ने ना इसमें तीसरा कीड़ा भी पाल लिया, शक का। हाँ नीना, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ, टाइम लगेगा। और जब तक इंसान अपने शक का जवाब नहीं ढूंढ लेता ना, ये कीड़ा बड़ा होता रहता है। जब यह कीड़ा बहुत बड़ा हो जाए तो फिर यह खून चूस के ही निकलता है। सलाम साहब, फॉरेंसिक वाले आए क्या? नहीं सर। क्या पाटिल जी, देखिए अगर सीन कंटेमिनेट हुआ ना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी सर। बिल्कुल नहीं होगी सर। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, जबरदस्ती रात भर से रोक के रखा है यहाँ। ये मेरा फोटो शूट है शाम को। मैडम आप आराम से बैठ जाओ। सर ये वो लतिका वाजपेयी है। कौन? सर वो जेल रोड पे होर्डिंग नहीं लगा है माथुर ज्वेलर्स का, उसमें इसी ने तो गहना पहना हुआ है। एक्चुअली इसकी स्कूटी। और ये कौन? सर ये कपिल मोटवानी है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉयर है। चूतिए हो गए तुम, लॉयर को क्राइम सीन में क्यों आने दिया? नहीं सर लॉयर है पर अभी क्रिमिनल, इसका नीना के साथ अफेयर चल रहा था। और यह है वो राइटर जिसने अपनी बीवी का खून किया। हाँ सर। हम दिन भर सेक्स और वायलेंस के बारे में लिखेंगे तो ये तो हो गई। अच्छा क्राइम सीन कहाँ है? ऊपर। स्टेटमेंट ले लिए सबके? हाँ सर। राइटर कबूल कर रहा है? हाँ सर। और मर्डर वेपन क्या? सर टेबल। कोई फॉरेंसिक वाले को बुला लो यार। सही है फिर तो, मोटिव है, वेपन है, स्टेटमेंट बॉडी सब है। तुम रिपोर्ट फाइल कर लो, मैं देख लूं। सर बॉडी नहीं है। तो राइटर साहब मर्डर तो कर दिया पर बॉडी कहाँ है? सर मैं बहुत बार बता चुका हूं, मुझे नहीं पता। एक देखिए हम हैं पब्लिक सर्वेंट, आप जितना लेट करेंगे ना देश उतना पीछे जाएगा। बता दीजिए। सर मैं फिर से बता रहा हूं, मुझे नहीं पता। दो देखिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं,
प्लीज कॉपरेट। सर मुझे नहीं पता। 3 ये सब 3 महीने पहले शुरू हुआ था। उस रात मेहर बिना बताए मेरा इंटरव्यू लेने घर आ गई थी। Hey, hi everyone. Hi, how are you? I'm all good. और आज हम फेमस सेलिब्रिटी राइटर मिस्टर वेद तोमर के घर पे हैं। और आप देख सकते हैं आज मिस्टर वेद अभी अपनी नई नॉवल की ट्विस्ट एंड टर्न ढूंढ रहे हैं, राइट? और एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि आज बहुत स्पेशल है क्योंकि मिस्टर वेद की वाइफ उनके घर पे नहीं है। वेरी फनी यार। देखो ना मिस्टर वेद मुझे भाव ही नहीं दे रहे हैं। हाय एवरीवन, ये झूठ बोल रही है क्योंकि शी नोज दैट आई एम। नीना, तुम गलत समझ रही हो। तो पहले आपने अफेयर किया और फिर 2 महीने बाद आपकी बीवी ने, तो हिसाब हो गया बराबर। पर फिर आपने उनका मर्डर कर दिया। अब ये वाला हिसाब तो अपने को बराबर करना पड़ेगा ना। तो देखिए सर, आप मर्डर के बारे में बताइए, अफेयर के किस्से ना किसी और केस में सुनेंगे। उस दिन के बाद नीना बिल्कुल बदल गई थी। वो काफी अकेले रहने लग गई। मुझे लगा था कि एक फेज है, इट विल पास। पर मैं गलत था। पिछले 2 महीने से वो कपिल नाम के एक आदमी से मिलने लगी। वो एक एक दो दो दिन घर से बाहर रहने लगी। और कल रात को जब मैंने उन दोनों को साथ में देखा, मुझसे रहा ना गया। बात कर सकते हैं क्या? इज इट सीरियस? What are you talking about? Kapil और तुम? हाँ। देखो नीना, you have made your point. Hurt हो गया हूँ मैं, पर please बंद करते हैं सब। ये लो। मैंने sign कर दिया है। I'm leaving. Kapil is coming to pick me up. पागल हो गई हो? What are you doing? मुझे नहीं पता। Leave my hand. I said that you can't leave like. Leave my fucking hand. I'm not without you, Nina. Leave my fucking hand. This fucking marriage, Nina, तो समझ नहीं आ रही। Coward. हाँ तो जाओ। समझा रहा हूँ जब से। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? Get up. नीना, नीना, ये देख रहा है? हाँ सर, बाल गायब हो रहे हैं थोड़े से। तो अबे ये चोट 8वीं क्लास में ऐसी किसी टेबल से लगा था, मरा नहीं मैं। बात तो मुझे भी नहीं जम रही सर। फिर तो बॉडी बताई सच।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी ही किसी कहानी में फंस गया हूं। एक शराबी राइटर ने गुस्से में आके अपनी बीवी का मर्डर कर दिया, ये न्यूज सोच के मैं बुरी तरह डर गया था। तभी फिर मुझे अपनी बुक की एक लाइन याद आई, नो एविडेंस नो क्राइम। और उस वक्त सबसे बड़ा एविडेंस नीना की डेड बॉडी थी। पर तभी नीना के फोन पे कपिल का मैसेज आया, वो 10 बजे उसे पिक करने के लिए घर आने वाला था और मेरे पास सिर्फ 40 मिनट थे नीना की बॉडी को अब छिपाने के लिए। और तभी मुझे हिट किया, मतलब थोड़ा गड्ढा आपने पहले से खोद के रखा था। नहीं सर, वो नीना ने लिली के लिए खोदा हुआ था। ये लिली कौन है? सर वो होता है ना फ्लावर, लिली का फ्लावर सर। फिल्मों में देखने में आसान लगता है कि क्रिमिनल ने 10 मिनट में ही सारे सबूत मिटा दिए। मेरे पास 40 मिनट थे और मैं एक गड्ढा भी नहीं खोद पा रहा था। कितनी देर तक गड्ढा खोदोगे? आगे बस 10 बज गए थे, कपिल आने वाला था। तो मैं भागकर ऊपर गया सर। और लाश गायब थी? हाँ। कपिल के आने का वक्त हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। बाहर इतना बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था, फ्लोर पे खून के निशान थे और नीना की बॉडी गायब। मेरा पकड़ा जाना तो कंफर्म था। और उस वक्त मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि मैंने नीना को हमेशा के लिए खो दिया है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी स्कूटी टूट गई है। मैंने मैकेनिक को कॉल किया है पर तब तक क्या मैं अंदर आ सकती हूँ प्लीज़? बहुत चोट लगी है, मे आई प्लीज़ कम इन? जी